हेलो फ्रेंड्स मैं उजेबा खान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग वुमेन्स किचन में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ फिरनी की रेसिपी जिसे हम लोग प्याली में जमा कर सर्व करेंगे तो ये जो फिरनी है बिल्कुल देसी स्टाइल में तैयार करेंगे तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है ढाई सौ ग्राम के करीब चावल और इसको मैंने आधा घंटा पहले सोख कर लिया था ये मैंने बासमती राइस लिया है और इसको अच्छे से आप सूख कर लीजिए आधा घंटे से पैंतालीस मिनट तक के ताकि ये सोख हो जाए और उसके बाद इसका पानी स्ट्रेन करके अब हमें इसे पीसना है जब हम लोग इसको पीसेंगे तो इसका पेस्ट नहीं बनाना है इसे आपको दरदरा सा पीसना है दानेदार होना चाहिए इसलिए आप ग्राइंडिंग जार को बहुत ज़्यादा देर नहीं चलाएं बस एक से दो राउंड चलने दें और उसके बाद बंद कर दें मिक्सर को ताकि ये बिल्कुल बारीक ना हो दानेदार रहे तो बस इसमें बिना पानी डाले हुए इसको पीसना है ये देखिए मैंने दो राउंड में ही इसको बंद कर दिया था जिससे ये दानेदार बना रहे और देखिए कितना अच्छा दानेदार ये चावल तैयार हो गया है अब हमें इसका पेस्ट बनाना है इसको इसको पानी मिला के जिससे जब सारे चावलों को मैंने निकाल लिया है और अब हम लोग इसमें डालेंगे पानी तो यहां पर मैं आधा लीटर के करीब पानी ऐड कर रही हूँ इसमें और इसको चला लेना है अच्छे से ताकि इसमें कोई भी लम्स यानी कि गिली या गांठ ना रहे तो ये देखिए पेस्ट बन चुका था उसको एक साइड कर दिया इधर मैंने एक बड़ा भगोना ले लिया है और जिसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क तो यहाँ पे मैं तीन लीटर के करीब मिल्क का यूज करूंगी तो तीन लीटर मिल्क मैंने डाल दिया है पैकेट वाला मिल्क मैं यूज कर रही हूँ फुल फैट मिल्क आपको यूज करना है टोन मिल्क आप यूज ना करें वरना तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और इसमें मैंने ये थोड़ा सा दो टेबल स्पू के करीब मिल्क को अलग कर लिया था जिसमें हम लोग डालेंगे सेफ्रॉन के धागे तो ये इसमें एक अच्छा सा कलर देंगे इसलिए मैं इसको भिगो के रख दे रही हूँ 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से भीग जाएंगे धागे और अपना कलर भी छोड़ देंगे इधर हमें दूध को एक बॉइल आने तक के पका लेना है गैस की फ्लेम को आप हाई कर दें जिससे फटाफट से इसमें एक बॉइल आ जाए बीच बीच में आप इसे जरूर चलाते रहें वरना तो ये नीचे से लगने लगता है और फिर ये खीर का टेस्ट जो है वो खराब कर देगा तो देखिए दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है आपको ऊपर दिख रहा होगा इसमें हल्की सी क्रीम आ गई है बस हम इसे दो मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि ये ऊपर तक के आ जाए एक बार ये देखिए ऊपर आपको इसमें फेन दिख रहा होगा तो मैंने अच्छे से चलाने के बाद अब इसमें मैंने चावल मिला देना है तो जो चावल का मतलब पेस्ट हम लोगों ने बना के रखा है पानी के साथ इसमें मैंने ये चावलों को मिला दिया है अब हमें चावल को दूध के साथ पकाना रहेगा और दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाता और जितनी इसकी क्वांटिटी है उससे ये वन थर्ड में नहीं पहुंच जाए तब तक हमें इसको पकाना रहेगा क्योंकि ये जो फिरनी बना रहे हैं हम लोग इसे देसी स्टाइल में बना रहे हैं और इसका मेन टेस्ट जो एक्चुअल टेस्ट है तभी आता है जब ये अच्छे से पकती है यानी कि इसको बहुत देर तक के पकाना रहता है धीमे धीमे फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो इसका कलर भी हल्का चेंज हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसको आप लगातार चलाते रहे वरना तो चावल डलने की वजह से चावल नीचे बैठते हैं और वो नीचे चिपकने लगते हैं तले में इसलिए आप इसको चलाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिससे ये नीचे लगे नहीं चावलों को सॉफ्ट होने तक के पहले आप पका लें तो देखिए अब ये चावल जो है ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाया था जिसमें ये चावल अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 300 ग्राम के करीब शुगर यानी कि शकर शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लें और अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो जितनी मैंने बताई है आप उतनी ही क्वांटिटी मिलाएं बिल्कुल हल्की मीठी खीर बन के तैयार होगी और चीनी को आपको तभी मिलाना है जब आपने जो चावल डाले हैं वो पूरी तरह से पक जाए अगर आप चावल को पकाएंगे नहीं और चीनी ऐड कर देंगे तो चावल ऐड जाएंगे वो गलेंगे नहीं और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब आप ये सेफ्रॉन वाला मिल्क मिला दीजिए यानी कि के केसर के धागे का जो मिल्क हम लोगों ने तैयार किया था उसे ऐड कर देना है इससे एक हल्का सा इसका क्रीमिश कलर आ जाएगा खीर का और अब इसको हमें कम से कम डेढ़ से दो घंटे तक पकने देना है लो फ्लेम पर इसको पकने दें ताकि ये अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो उसको चेंज करके ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी और एक बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा तो अब इसको लगातार पकने दें और बीच बीच में चलाते रहें जिससे ये नीचे से लगे नहीं देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है मैं आपको ये डेढ़ घंटे के बाद की दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी थिक कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है अभी जब ये खीर ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी यानी कि और थिक हो जाएगी दस से पंद्रह मिनट के लिए मैं इसे और पकने देती हूँ गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है हाई नहीं करना है तो लो टू मीडियम ही रखें पंद्रह मिनट हो चुके हैं अब मैं यहाँ पर मिला दूंगी नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट इससे इसका जो खीर का टेस्ट है ये और अच्छा हो जाएगा खीर कहें या फिर नहीं कहें ये ऑप्शनल है आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं वरना तो स्किप कर सकते हैं तो नारियल का बुरादा मिलाने के बाद आप 10 मिनट के लिए और इसे पका लीजिए ताकि ये पूरी तरह से इसका जो फ्लेवर है खीर में एब्जॉर्ब हो जाए और साथ ही में इसमें ऊपर से एक छोटा चम्मच के करीब इलायची पाउडर को ऐड जरूर करें ये खीर की टेस्ट को उसकी फ्रेगरेंस को और बढ़ा देगा इलायची पाउडर को भी मैंने अच्छे से खीर में मिला लिया है अब तो 10 मिनट तक ही ऐसे ही आपको पका लेना है फिर उसके बाद आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हल्का सा ढक के रख देना है जिससे इसकी स्टीम निकलती रहे और ये ठंडी हो जाए आधा घंटा ठंडा करने के बाद अब मैं इसको प्यालियों में रख दे रही हूँ क्योंकि बहुत गर्म थी खीर बहुत गर्म गर्म आप अगर डालेंगे तो आप जल सकते हैं इसलिए थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाने के बाद ही आप प्यालियों में इनको डालें और फिर सेट होने के लिए रख दें जिससे ये प्याली जो है वो खीर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके पूरी तरह से खीर को अपने शेप में सेट कर लेंगी तो आपको जितनी भी प्यालियाँ सेट करनी है खीर में आप उन सभी में खीर को ट्रांसफ़र कर लीजिए क्योंकि जब अगर खीर ठंडी हो जाएगी पूरी तरह से तो फिर ये प्याली में सेट नहीं होगी इसीलिए आपको गरम खीर को ही सेट करना है बहुत ज़्यादा गरम और बहुत ज़्यादा ठंडी खीर नहीं होनी चाहिए अब इसके बाद इसको आप ऊपर से अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर से नारियल का बुरादा ऐड कर दिया है और अब इस खीर को दो घंटे के लिए आप सेट होने के रख दें और उसके बाद ठंडा करके आप इसे सर्व कीजिए अगर आपको ये मेरी बहुत ही सिंपल सी फिरनी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो